नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं निकलन अच्छा। नमस्कार, तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सभी 8 आतंकी मारे गए, एक सिपाही की हत्या कर भागे थे सिमी के आतंकी, एनआईए जांच करेगा। भोपाल के इंटखेड़ी गांव में हुई मुठभेड़, मारे गए आतंकियों में से 4 आतंकी 2013 में खंडवा जेल से भी फरार हुए। अबू फैसल पर आतंकियों के भागने की साजिश रचने का शक, सीएम शिवराज ने माना जेल प्रशासन की बड़ी चूक। सिमी आतंकियों का शिकार बने कांस्टेबल, रमाशंकर यादव के घर पसरा मातम, आतंकियों ने भागने से पहले रमाशंकर की गला रेत करके हत्या। आईजी योगेश चौधरी के मुताबिक जेल से भागे आतंकियों के पास हथियार थे, दोनों ओर से फायरिंग के बाद मारे गए सभी आतंकी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। मौके पर मौजूद गांव वालों ने पुलिस के एक्शन की तारीफ की, इस पर बात करके खुशी जताई। एसआई जासूस केस में आरोपी के घर की तलाशी लेने दिल्ली पुलिस की टीम जोधपुर नागौर रवाना, बीएसएफ के कुछ कर्मचारी से भी की जा सकती है पूछताछ। दिल्ली हाईकोर्ट के 50 साल पूरे, राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम, पीएम समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने कहा, लंबे अनुभवों के साथ अदालतों का होना चाहिए अपग्रेडेशन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, केंद्र सरकार सभी की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध, किसी भी जज की फोन टैपिंग पर नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, शक्ति स्थल पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी की समाधि पर पहुंचे राष्ट्रपति और सोनिया गांधी, कांग्रेस नेताओं ने कहा दिवंगत नेता का योगदान सराहनीय। महाराष्ट्र के सांगली में बीएसएफ के जवान नितिन सुभाष का अंतिम संस्कार, हजारों लोगों ने नम आंखों से नींद लगाई। जम्मू कश्मीर से हिमाचल सेक्टर में बीते शुक्रवार को पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे नितिन सुभाष कोहली, शहीद के परिवार में 2 बेटे और पत्नी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, बालकोट इलाके में बॉर्डर पर रुक रुक कर फायर। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में बीती रात से जारी गोलीबारी, बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई। हाफिज सईद के आतंकी अड्डों पर दूसरे छोर से वार, अफगानिस्तान एयरफोर्स ने कुनार प्रांत में हवाई हमला करके तबाह किए लश्कर ए तैयबा के अड्डे। अफगान एयरफोर्स के हमले में लश्कर ए तैयबा के 20 आतंकी मारे जाने का दावा, लगभग 8 आतंकी बुरे तरीके से जख्मी। जासूस फरहत कोड वर्ड के जरिए आईएसआई को देता था खुफिया जानकारी, पुलिस पूछताछ में बताया पाकिस्तान के एक बड़े अधिकारी से भी संपर्क में था। परिवार ने फरहत को बताया निर्दोष, कहा फरहत को फंसाया जा रहा है, यूपी के शामली में काम करता है। पाकिस्तानी जासूस फरहत खास से पूछताछ में बड़ा खुलासा, पाक हाई कमीशन के 2 अधिकारियों को सूचना देता था फरहत। यूपी के सफाई में सीएम अखिलेश के घर से बाहर उमड़ा आम लोगों का हुजूम, धक्का मुक्की के कारण कुछ लोग हुए घायल, सीएम अखिलेश ने सुनी लोगों की शिकायतें। यूपी के लखीमपुर में पकड़े गए 3 फर्जी सीबीआई अधिकारी, ग्राम प्रधानों को धमका कर वसूल रहे थे पैसे। यूपी के बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या की, दिवाली की मिठाई देने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। उत्तराखंड में हड़ताल पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों का ऐलान, सरकार ने मानदेय नहीं बढ़ाया तो चुनाव का भी करेंगे बहिष्कार। मथुरा में टोल बूथ के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई आरएलडी विधायक पूर्ण प्रकाश की गुंडागर्दी, पहचान पत्र मांगा तो कर्मचारी से मारपीट की। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता ने फांसी की लगाकर की खुदकुशी, ससुराल वालों पर 4 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के रामपुर में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाल की करोड़ों की कीमत। यूपी के बांदा में 14 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या, कब्रिस्तान से अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, चेहरे पर तेजाबी फेंका। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ने तमिलनाडु में दी दस्तक, तापमान में गिरावट, अगले 2 दिन में अच्छी बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ के दरियाबगंज इलाके में सरपंच ने भीख मांगकर जताया विरोध, शौचालय निर्माण में खर्च 1 करोड़ की राशि का भुगतान न किए जाने पर अनोखा प्रदर्शन। भोपाल में शौर्य स्मारक पर दिखा जलाया, सीएम शिवराज सिंह ने मनाई दिवाली, शहीदों को नमन किया। बिहार के हाजीपुर में लोगों ने 2 बसों में लगाई आग, हाईवे किया ब्लॉक, एक हादसे में फंसे ट्रक ड्राइवर को बचाने में प्रशासन की लापरवाही के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। राजस्थान के धौलपुर में बेटी को जन्म देने के बाद ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला, मारपीट का आरोप, पीड़ित ने थाने में शिकायत की। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का सिद्धू पर हमला, कहा ठेले पर बिकने वाले सब्जी की तरह हो गए हैं सिद्धू, चुनाव में किसके साथ जाएंगे कोई पता। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने गनर से उठवाए जूते, भिंड में सत्यदेव कटारे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे मंत्री। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में 2.5 महीने की बच्ची की महिला तांत्रिक ने की झाड़ फूक, तमाशबीन बना रहा अस्पताल का स्टाफ। रांची में हेली मेडिसिन हेलो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, डायल 100 सेवा पर पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी कर सकते हैं संपर्क। धार के करौंदिया गांव में हादसा, मकान की दीवार से टकराकर पलटा बेकाबू ट्रक, एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर के चांपा में ट्रैक्टर ट्रॉली में नहर में गिरने से हादसा, 7 लोगों की मौत, 15 घायल। ढबरा थाने के भादरी चौक में हादसा हुआ। बोलन में नहर की खुदाई के दौरान हादसा, मिट्टी धंसने से 3 लोगों की मौत, इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में माता लक्ष्मी और कुबेर की विशेष पूजा, बड़ी संख्या में जुटे भक्त। वाराणसी में देखी हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल, मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की आरती, सामाजिक कार्यकर्ता नजनीन अंसारी ने राम की आरती का उर्दू अनुवाद किया। दीपावली पर आतिशबाजी से और जहरीली हुई दिल्ली की हवा, वायु प्रदूषण का स्तर 5 गुना ज्यादा बढ़ा, दूसरे महानगरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। यूनिसेफ के मुताबिक वायु प्रदूषण के हर साल होती है 6 लाख बच्चों की मौत, प्रदूषण से बच्चों के दिमागी विकास पर भी प्रभावित होता है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले D&D फ्लाईओवर पर स्मॉग का कहर, कम विजिबिलिटी के चलते 5 गाड़ियां आपस में। जवानों से मिलकर पीएम मोदी का ऐलान, कहा वन रैंक वन पेंशन के तहत जारी की 5,500 करोड़ रुपए की पहली किश्त। कथकलांचर श्रुति गुप्ता ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला, लद्दाख के खारदुंग में -24 डिग्री तापमान में नंगे पांव कथक किया, शरीर पर नहीं था कोई गर्म कपड़ा। कुंज जमा देने वाली ठंड में श्रुति ने 20 मिनट तक किया कथक, तिरंगे को थाम कर की परफॉर्मेंस, ITBP के जवानों ने बढ़ाया श्रुति का हौसला। तनाव के बीच वाघा बॉर्डर पर BSF और पाक रेंजर्स के बीच नहीं बांटी गई मिठाई, खास मौकों पर गिफ्ट और मिठाई दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दफ्तर में बनाई दिवाली, ओबामा ने कहा उन्हें गर्व है कि दिवाली मनाने वाले वो अमेरिकी राष्ट्रपति पहले हैं। पाकिस्तान की कराची में भी हिंदुओं ने मनाई दिवाली, मंदिरों में की पूजा अर्चना, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दिया सद्भावना का संदेश। दिवाली पर दिल्ली में 170 से ज्यादा आगजनी की छिटपुट घटनाएं हुई, अलग अलग हिस्सों से 3 लोग झुलस गए। दिल्ली में रोहिणी में देर रात टाटा और रिलायंस के गोदाम में आग लगी, कुछ देर बाद आग पर काबू पाया गया, आग की वजह साफ नहीं। मुंबई में मेहता मेंशंस में भड़की भयानक आग, करीब 6 घंटे बाद आग पर काबू, हादसे में कई हताहत। बरेली में पटाखे की दुकान में लगी आग से सैकड़ों घर जलकर राख, 1 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। यूपी के इटावा में दिवाली की रात गद्दे के गोदाम में लगी भयानक आग, लाखों की कीमत के गद्दे जलकर हो गए खाक। पंजाब के बठिंडा में पटाखे की 3 दुकानों में आग, 2 बाइक और 1 कार के चपेट में आई। बाड़ा में एक शराबी युवक ने पटाखों की दुकान में लगाई आग, आसपास की कई और दुकानें भी जली, लाखों का सामान खाक, पुलिस आरोपी की तलाश में। भोपाल सेंट्रल जेल से आतंकियों से फरार होने की घटना के बाद बिहार प्रशासन सतर्क, सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। उदयपुर में नशीली दवाओं के कारोबार पर कार्रवाई जारी, अब तक 25 टन माल जब्त। अलवर महिला के कटे हुए हाथ और पैर मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने अंगों को कब्जे में लिया, जांच शुरू। के मंदिर में घुसे 2 गुलदार से घंटों दहशत में रहे लोग, एक जंगल में भागा, दूसरे को वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। त्यौहार पर कानपुर में फूड विभाग की छापेमारी, भारी तादाद में नकली खोया और बर्फी मिली। कानपुर में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा साइबर क्रिमिनल, फर्जी ID से खरीदी VIP नंबर की डुप्लीकेट से। यूपी के बांदा में जमीन विवाद में युवक को जिंदा जलाया पड़ोसी युवक पर आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संत कबीर नगर में लड़की की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार, पुलिस को आरोपी का शक, 26 अक्टूबर को खेत में मिली लड़की की लाश। MP के धार में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला और बच्चे समेत 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर, ट्रक पलटने से हादसा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मर्डर के बाद परिवार वालों का हंगामा, शक के साथ किया प्रदर्शन, दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर हत्या। इलाहाबाद के मोहताब बेगम हत्याकांड को सुलझाने का दावा, नौशाद नाम का व्यक्ति गिरफ्तार, कहा निकाह का दबाव बनाने पर की थी हत्या। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बेहोशी की हालत में मिला महिला का शव, महिला की रेप के बाद हत्या का आशंका, सरकार ने दी जांच के आदेश। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में 1 की मौत, 2 लोग घायल, शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। कानपुर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में पत्थरबाजी, शराब के नशे में 2 युवकों ने किया उपद्रव, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों पर काबू पाया। रायपुर में डकैती की वारदात नाकाम, बैंक लूटने पहुंचे 2 बदमाश गिरफ्तार, 4 देशी कट्टों के साथ 16 गोली और चाकू भी मिले। दिवाली पर अहमदाबाद में जानलेवा परंपरा जारी, सवार कुंडला शहर में एक दूसरे पर पटाखों से हमला, जानकारी के बावजूद प्रशासन लापरवाह। मध्य प्रदेश के सीधी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की हत्या, पीड़ित को बचाने आए बस कंडक्टर को भी मारा चाकू, लोगों ने किया चक्काजाम। मध्य प्रदेश के भिंड में नशे में धुत बुजुर्ग ऑटो चालक को भीड़ ने बुरी तरीके से पीटा, बाइक से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के लिए प्रार्थना, करीब 1,000 भारतीय मौजूद रहे, शुक्रवार को हत्या हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति था मनोरोगी, ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी जानकारी, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से की बात, हत्या पर उठाया मुद्दा। दिल्ली के रहने वाले महेंद्रगढ़ के साउथ अफ्रीका में हत्या, करीब 2 दिन से बेरा शहर के अस्पताल में रखा हुआ महेंद्र का शव, दूतावास से मदद न मिलने पर परिवार वालों ने मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई।
सऊदी अरब में आईसिस के 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हत्या और धमाकों की फिराक में थे। आतंकी यूएई की फुटबॉल टीम पर बम से हमला करने की फिराक में थे। लंदन में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को टक्कर मारी। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार। चीन में तीसरी मंजिल से बच्चे को गिराने से बचाने का वीडियो हुआ वायरल, एक शख्स ने 2 साल के बच्चे को इमारत से गिरने से बचाया। तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान का नवाज शरीफ पर बड़ा हमला का भारतीय पीएम के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे नवाज। सीरिया में एलेप्पो में सेना और आईसिस के बीच जंग के बाद जारी वीडियो, गलियों में पड़े मिले शव, खंडहर में बदला पूरा इलाका। मारियानो राजोय को दोबारा स्पेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध, संसद के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इसमें बाढ़ से तबाही, अब तक 26 लोगों की मौत, दर्जनों लोग लापता, कई घर और दुकानें तबाह। मुंबई प्रांत में इंटरनेशनल एक्रोबैटिक आर्ट फेस्टिवल शुरू, 13 देशों के 200 से ज्यादा एक्रोबैट शामिल। दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार में निराशा, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरकर बंद। मुंबई में 10 से 12 रुपए किलो में बिक रहे टमाटर, पाकिस्तान को टमाटर का पूरी तरह एक्सपोर्ट बंद होने से दाम गिरे। 1 नवंबर से SBI और ICICI बैंक में MCLR दरों में कटौती, कर्जदारों को चुकानी होगी कम ब्याज दर। राजस्थान में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की रौनक, नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में भव्य अन्नकूट का आयोजन। दीपिका पादुकोण और विन डीजल ने हिंदी में किया लोगों को दिवाली विश, विन डीजल ने हिंदी में कहा आप सबको दिवाली की शुभकामना। अभिनेत्री लीजा हेडन ने डिनो लालवानी के साथ शादी फुकेट के एक बीच पर। आलिया और वरुण धवन ने भी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, इंस्टाग्राम पर पिक पोस्ट की। फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में लीड किरदार निभाने वाले रणबीर और अनुष्का शर्मा ने फैंस को दी दीपावली की शुभकामनाएं, कहा दर्शकों के प्यार के लिए उनका धन्यवाद।